बहना के लिए लाडली बहना योजना भी चला रहे हैं, सभी योजना चला रहे हैं और देश की बहनें बेरोजगार है क्या? मामा तो हमें भांजी भी बोलते हैं और भांजी अब सड़कों पे आ गई है और तब से एक साल से भांजी परेशान है, सबको परेशान है। मामा को ये दिख नहीं रहा है क्या? हम लोग सड़कों पे उतर आए हैं और हम ऐसा नहीं है सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम इनवैलिड कोई बात कर रहे हैं, वैलिड बात रख रहे हैं उनके सामने। सिर्फ मैं इतना चाहती हूँ कि 25,000 पदों पे ट्राइबल रोस्टर जारी करें, वो भी फ्रेश पदों पे भर्ती की जाए। पहले मैं कम से कम एक साल से ऊपर हो चुका है यहाँ प्रोटेस्ट करते हुए हम लोगों को, और इस सरकार ने गवर्नमेंट ने जो वैकेंसी दी थी पहले तो उसमें उन्होंने सिर्फ इस एक वर्ग को एसटी को दे दिया था, 10,000 करके कुछ वैकेंसी वर्ग विशेष को दे दी थी और हम लोगों को नाम मात्र की 7,000 कुछ करके वैकेंसी मिली थी तीनों चारों वर्ग को जो थी। लेकिन अभी जो हुआ है उसमें इन्होंने किस तरीके से नामों का रिपीटेशन किया है, सेकंड काउंसलिंग में भी इन्होंने नामों का रिपीटेशन किया है और इन्होंने ये बोला है डॉक्यूमेंट्स कुछ लोगों ने जो जिन्हें अपलोड नहीं किए थे तो उनको मौका दिया है। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ अगर उनने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए थे तो शायद उनको जॉब की जरूरत नहीं थी, नहीं तो इनमें से एक भी बंदा ऐसा नहीं है कि अगर इनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का मौका दिया जाए तो वो नहीं करेंगे। तो मेरा यही है कि जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं वो आगे भी नहीं करेंगे। तो इन नामों को क्योंकि ये वर्ग एक दो में जा चुके हैं तो इन लोगों को पहले ही प्रोफाइल लॉक कर देनी चाहिए थी इन लोगों की, लेकिन इन्होंने नहीं किया। तो अब मैं बस इतना चाहती हूँ कि एक एडिशनल सूची जारी करी जाए और हम लोगों का भी सिलेक्शन हो सके, क्योंकि हम भी पॉइंट से रुके हैं और बहुत वैकेंसी खाली थी वो भी छुपा ली गई है। सिर्फ 363 वेटिंग दी गई है ना, 363 पे दी गई है ना वेटिंग, सिर्फ 363 पे वेटिंग दी गई है जबकि 1700 कुछ पद खाली है और इन्होंने विभाग ने पदों को छुपा लिया गया है। मामा जी लाडली बहना के लिए लाडली बहना योजना भी चला रहे हैं, सभी योजना चला रहे हैं और देश की बहनें बेरोजगार है क्या? मामा तो हमें भांजी भी बोलते हैं और भांजी अब सड़कों पे आ गई है और तब से एक साल से भांजी परेशान है, सबको परेशान है। मामा को ये दिख नहीं रहा है क्या? हम लोग सड़कों पे उतर आए हैं और हम ऐसा नहीं है सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम इनवैलिड कोई बात कर रहे हैं, वैलिड बात रख रहे हैं उनके सामने। सिर्फ मैं इतना चाहती हूँ कि 25,000 पदों पे ट्राइबल रोस्टर जारी करें और वो भी फ्रेश पदों पे भर्ती की जाए। पहले उन्होंने बैकलॉग पदों पे दिया था, तो बस मेरा मानना यह है कि आप फ्रेश पदों पे भर्ती करो, 25,000 जो आपके बचे हुए हैं अभी 26,000 के समथिंग हो चुकी है उन पे भी सही से नहीं हुई है। हम तो बस 25,000 और आप कर दीजिए, हम शांत हो जाएंगे, हमारा प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, बस उसमें कोई विसंगति ना हो। और ये नामों का रिपीटेशन जो हुआ है उसको अब ये खेल खत्म कर दीजिए, क्योंकि नहीं तो युवा बार बार सड़कों पे आएगा। इसलिए मेरा मानना ये है कि आप नामों का रिपीटेशन बंद करो वापस, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की जाती है। सर हम भी वो हड़ताल पे बैठने वाले हैं, हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती है, अभी हम शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे थे, अब हम लोग भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं और अगर हमको कुछ हो जाता है, हम में से किसी को भी कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार यही सब होंगे। इसका असर चुनाव में किस लेवल पर देखने को मिलेगा? सर हम में से अगर हमारे साथ अगर ऐसा होता है तो हम में से तो कोई वोट नहीं देने वाला है, और हमारे जितने लोग हैं जो 1,00,000 से ऊपर जो अभी बच्चे रुके हुए हैं तो उनमें से कोई वोट नहीं देगा, और ये भी आप जानते हैं कि उनकी फैमिली में से भी कोई वोट नहीं देगा। अगर आप उनके बच्चों को नौकरी नहीं देंगे तो उसका आने वाले चुनावों में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा।